हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कम प्रेशर में पिस्टन में जो है रिंग कैसे डालते हैं और पिस्टन को जो है असेंबल कैसे करते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए आपका जो है पिस्टन है, इसमें रिंग डाल रहे हैं। सबसे पहले आयल रिंग पड़ेगी। आयल रिंग में आपका जो स्प्रिंग रहेगा सबसे पहले पड़ेगा। इसके बाद जो है आयल स्प्रिंग में भी जो है रिंगें पड़ती हैं, दो रिंग रहती हैं आयल रिंग में। एक नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है, जो कि हमारे खान उस्ताद हैं वो डाल रहे हैं। गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग जो है रिंग उल्टा कर देंगे, कंप्रेसर रिंग को आयल रिंग में डाल देंगे, आयल रिंग को कंप्रेसर में डाल देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए आयल रिंग जो है पड़ गई है, ये देखिए। अब ये ऊपर का है, आयल रिंग में ही ऊपर, ये नीचे का डाल दिया, ये ऊपर का है रिंग। देखिए इसको आसानी से बस अंगूठों की मदद से फैलाना है और आसानी से पड़ जाता है। देखिए जैसे कि ये डाल रहे हैं, देखिए ये देखिए आयल रिंग जो है डाल रहे हैं, ये देखिए पड़ गया है। इसको घुमा के जो कट है दोनों का आमने सामने रखना है। दोनों जो नीचे का जो आपका रिंग रहेगा ऊपर का रिंग रहेगा आयल रिंग में, दोनों का सेम रखेंगे। फिर जो आपका कंप्रेसर का रिंग होगा उसको उसके जो है अपोजिट रखना, आयल रिंग के जस्ट अपोजिट रखना है। ये देखिए आपको ऐसे गाले में डालकर रिंग को देख लेना है, तो गाले में बिल्कुल जीरो जीरो रहेगी, वही इसकी होगी। ये देखिए ये कंप्रेसर रिंग है और जिधर टॉप लिखा होगा वो ऊपर की ओर रहेगी। देखिए अंगूठे की मदद से ऐसे धीरे धीरे करके आप लोग को डालना है, जैसे कि ये डाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से पड़ जाता है, बिल्कुल आसानी से। देखिए जैसे कि ये डाल रहे हैं, ये देखिए नहीं है, नहीं माचिस नहीं है, बस ऐसे फैलाना है और आसानी। ये देखिए कंप्रेसर रिंग भी पड़ गई और टॉप रिंग भी इसकी डाल दी है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड रहती है इसको पहले बार बोला जाता बच्चों। टॉप रिंग भी पड़ गई है। अब जो है इसमें असेंबल करेंगे पिस्टन को, अच्छे से साफ कर लेना है। एमरी वगैरह या कोई धूल वगैरह किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से कपड़े से हाथ डाल के साफ कर लेना, जैसे कि साफ कर रहे हैं। पहले क्या देखिए, अब पिस्टन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इंजन ऑयल। ये देखिए रिंगों में डालेंगे, पिस्टन रिंग में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालेंगे इसको घुमाएंगे ताकि अंदर गाले में ऑयल चला जाए और जो आपकी रिंग है बराबर काम करे। ये देखिए घुमाना है ऑयल डाल करके, और आपको फिर बोर में भी जो है ऑयल डालना है। देखिए अभी डालेंगे अच्छी तरीके से। पहले आपको पिस्टन में ऑयल डाल के रिंगों को घुमा लेना है, और इसके बाद जो है आपको रिंगों का जो मुंह है, ये देखिए सबसे पहले बोर में ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद जो आपका पिस्टन रहेगा इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद रखने फिर जो है इसकी जो रिंगें हैं, जैसे आयल रिंग है, आयल रिंग के जस्ट अपोजिट रहेगा आपका कंप्रेसर रिंग का मुंह जो होता है, एक दूसरे के अपोजिट रखना है। जो आपका जो टॉप रिंग रहेगा उन दोनों के अपोजिट रखना है। फिर ये देखिए पुलर नहीं है तो हम लोग इसको जो है पेचकस की मदद से पिस्टन को अंदर करेंगे रिंगों को दबा करके। ये देखिए इधर दोनों साइड से दबाएंगे, और दबाने के बाद जो है थोड़ा सा ऊपर से हाथ से जो है इसमें चोट देंगे, या पेचकस से हल्का हल्का चोट देंगे, या आप किसी लकड़ से भी चोट दे सकते हैं। ये देखिए जिससे कि अंदर की ओर ये चला जाएगा, पिस्टन जो है आपका अंदर की ओर चला जाएगा। ये देखिए चला गया है। सारी रिंगों का ऐसे पेचकस से दाब करके हल्की हल्की चोट देना, कोई लकड़ से दे या पेचकस से दे, हाथ से भी आप दे सकते हैं, आसानी से चला जाएगा। अब ये आपकी जो है कंप्रेसर की जो क्रैंक होती है ना वो है, ये देखिए कैन सॉफ्ट से आप लोग बोलते हैं, ये कैन सॉफ्ट है कंप्रेसर की। जैसे इंजन में बड़ी होती है और कंप्रेसर में छोटी होती है, तो इसमें भी जो है ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा लगा लेंगे, थोड़ा चिकना हो जाएगा। 24 नंबर किसमें बोल्ट नट लगा होता है। ये देखिए अंदर होल में डालेंगे और इसे घुमा घुमा करके धीरे धीरे घुमा घुमा, पहले इसमें ऑयल डाल लीजिएगा आप लोग, हम लोग पहले ही डाल लिए थे, हम लोग जो है इसमें पहले ऑयल डाल लिए हुए थे, तो आप लोग इसमें ऑयल डाल लीजिएगा और इसको जो है घुमा घुमा के पिस्टन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ऊपर नीचे जितने में आ जाए, तो इसको जो है घुमा घुमा के डालना है। ये देखिए जैसे कि घुमा घुमा रहे हैं, ऐसे इसको घुमा घुमा के डालना है ताकि आसानी से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है डालना,
ऐसे घुमा घुमा के डालना है, नॉर्मली चला जाता है। देखिए इसमें जो है चला गया है। अब जो है इधर से प्लेट लगाएंगे, सबसे पहले इसमें एनाबोंड लगाएंगे ताकि ये लीकेज ना हो। ये देखिए एनाबोंड, यानी इसे लॉक टीट भी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा, एनाबोंड बोलते हैं या लॉक टीट बोलते हैं। तो इसमें जो है एनाबोंड लगाएंगे, क्योंकि अपने पास पैकिंग वगैरह है नहीं तो एनाबोंड, आप पैकिंग भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग लगा के ग्रीस लगा के आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास नहीं है तो हम जो है इसमें एनाबोंड लगा रहे हैं। ऐसे आप लोग भी लगाइए कि देखिए एनाबोंड इसमें लग चुकी है। एनाबोंड लगा के जो है प्लेट को उसमें लगा देंगे। ये देखिए प्लेट को जो लगाएंगे, फिर इस जो है इसमें चार एलंकी बोल्ट होंगे, पांच नंबर की एलंकी से जो है इन्हें टाइट किया जाएगा बोल्टों को बराबर। आप लोगों को बिठाना है और इसमें ठोंक पीट नहीं करना है, बराबर आप लोगों को देख लेना है। जो तीन छेद होंगे देखिए दिख रहे हैं, एक और दो, एक तीन, सेंटर सीधे सीधे ये नीचे की ओर रहेगा। हल्का सा रैंच है ना, क्योंकि वो नीचे ही बैठता है, क्योंकि इसके में जो आपकी गलारी रखी हुई है इसमें फिट होगी। तो ये इसके जो एलंकी बोल्ट थे वो कस गए हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल फ्री घूमे। फ्री घूमने के कारण, क्योंकि ये ऐसा सूखा डालेंगे तो दिक्कत होगी, इस वजह से इसमें जो है फ्री घूमे, इसलिए ऑयल डाल देना है। ये देखिए ऑयल डाल के इसे पिस्टन में हल्का सा चूंड देंगे, हल्का सा, और इसे घुमाएंगे। अभी देखना बिल्कुल फ्री घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आसानी से। अब जो है इधर से दूसरी अब प्लेट लगाएंगे, इसमें भी एनाबोंड लगाएंगे। ये देखिए, और हल्का हल्का ऑयल जो है अंदर ग्रुप में उसमें लगा देंगे, अंदर साइड जो है ग्रुप में अंदर लगा दें, क्योंकि जो पिस्टन आपका क्रैंक शॉफ्ट था वो इसमें बैठेगा। ये देखिए प्लेट का आप लोगों को ध्यान रखना है, खोलते समय आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। ये देखिए ऐसे ही आप लोगों को बिठाना है। बिठाने के बाद 13 नंबर के इसमें बोल्ट हैं, 13 नंबर के पांच बोल्ट हैं जो कि आप लोगों को टाइट करने हैं। और रेचिट से जो आप टाइट करें या टामी 13 नंबर पाना से या चाबी से, हम लोग तो इसे रेचिट से 13 नंबर गुटी से टाइट कर रहे हैं। आप लोगों के पास जैसी सुविधा हो आप लोग वैसा टाइट करिएगा। हमारे पास रेचिट है तो हम लोग रेचिट से कर रहे हैं, आप लोग पाने से भी कर सकते हैं, चाबी से भी कर सकते हैं। फाइनली वो हो चुका है। अब इसमें हम जो है 24 नंबर का बोल्ट लगा के इसको घुमा रहे हैं, पिस्टन को मतलब घुमा करके फ्री कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो वो बराबर घूम रहा है, तो हम लोग एक बार एलंकी और टाइट कर देंगे, जो पाँच नंबर के एलंकी बोल्ट चार थे उसे और एक बार हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि हल्के लूज थे तो हमारा जो पिस्टन था फ्री हल्का चल रहा था, जो क्रैंक शॉफ्ट थी आपकी, क्रैंक जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा फ्री थी, इसे टाइट कर दिया है, अब बराबर चलेगी। अब यहाँ पर हम अपनी जो है ये गलारी डालेंगे। ये देखिए गलारी का जो खांचे वाला भाग है, ये देखिए इसमें ग्रुप बना हुआ है, ऊपर की ओर रहेगा, और 24 नंबर बोल्ट से इसे बराबर टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं फिर जैसे कि हम कंप्रेसर को फिट करेंगे तो आपके जो इंजन में गलारियां लगी होती हैं उसमें जो बैड ग्रुप इनका गलारी का, गलारी से ग्रुप नहीं बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप लोगों को इसका जो नट है बराबर टाइट करना है, टामी से या पाने से जैसे भी टाइट करना चाहें आप टाइट करें अच्छे तरीके से। देखिए फाइनली दोस्तों जो है टाइट हो चुका है, अभी हम लोग इसको गाड़ी में लगाएंगे। अब गाड़ी के अंदर तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता, अगली बार किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि गाड़ी में कैसे लगाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी अगले नई वीडियो में।